नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अभी आपने जो इफेक्ट देखा टेलीपोर्टिंग का, तो इस वीडियो को कैसे बनाया जाता है इसकी पूरी जानकारी डिटेल में आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाले वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को बनाने के लिए जितने भी जरूरत की फाइल्स और एप्स रहेंगी उसका लिंक बना के मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे क्लिक करके आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ट्राइपॉड पे सेलफोन रख के एक वीडियो शूट कर लेना है कुछ इस तरह से। दोस्तों, ट्राइपॉड पे सेलफोन रख के आपको कुछ इस तरह से एक्टिंग कर लेनी है। जब आप फ्रेम से बाहर जाओगे तो इस तरह का बैकग्राउंड भी होना चाहिए। उसके बाद ट्राइपॉड को हिलाइए और आपकी पोजिशन पे सेट कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है चुटके बजा के जंप करनी है और फिर से फ्रेम से बाहर जाना है और बैकग्राउंड आना चाहिए, तब तक आपको कैमरा ऑन रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। दोस्तों, काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके 16:9 वाला एस्पेक्ट रेशियो जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको मीडिया में चले जाना है, आपका रिकॉर्डेड वीडियो जिस फोल्डर में है उस फोल्डर में चले जाए। उसके बाद वीडियो पे क्लिक कर दीजिए, आपका वीडियो टाइमलाइन पे आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर से वीडियो को सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे साउंड पे जाके यहाँ पे म्यूट पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपके आप जब वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना कुछ तो साउंड उसमें रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसे पहले हम म्यूट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक करके वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाइए। अभी आपको वीडियो को जो है प्ले कर देना है, ये देख लीजिए। जब आप वीडियो में जंप लेते हो उसी समय आपको वीडियो को पॉज करना है और इस तरह से ठीक पोजिशन लेके आपको ड्रैग करके आना है। उसके बाद वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को सेलेक्ट कर दीजिए, कटर में चले जाइए और यहाँ पे आपको स्प्लिट एट प्लेहेड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आगे ड्रैग कर देना है। जब आप इस फ्रेम में नहीं होते हो उस टाइम का भी आपको एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, ठीक है, इस तरह का। तो वीडियो को सेलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके कैप्चर एंड सेव फ्रेम एट प्लेहेड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद वीडियो आगे ड्रैग कर लीजिए, उसके बाद जो आगे की पोजीशन रहेगी जब आप यहाँ पे आने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप जब जंप मारते हो उसी समय आपको वीडियो को पॉज करना है जब आप नीचे आ जाते हो। उसके बाद वीडियो को सेलेक्ट कर दीजिए, कटर में चले जाइए, अभी भी आपको स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद वीडियो के ड्रैग कर लीजिए आगे। जब आप यहाँ से फ्रेम से बाहर जाते हो उस टाइम का भी आपको एक स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, कैप्चर एंड सेव फ्रेम एट प्ले हेड पर क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ से आगे वाला जो वीडियो रहेगा उसे हम इरेज कर देंगे यहाँ से, ये देखिए यहाँ तक हमें कट कर देना है, यहाँ से यहाँ तक। तो कटर पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अभी आपको ये बीच में जो वीडियो रहेंगे उसे डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। एक था तो उसे डिलीट कर दिया मैंने। अभी आपको इस पोजीशन पे आना है और अभी आपको यहाँ पे सेटिंग पे चले जाना है। उसके बाद आपको एडिटिंग पे चले जाना है और यहाँ से प्रोजेक्ट डिफॉल्ट फोटो क्रॉपिंग जो है फिटिंग स्क्रीन कर देना है। उसके बाद आपको ऑडियो में चले जाना है और ऑडियो फेड आउट रहेगा तो उसे डिसेबल कर दीजिए, फिर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अभी आपको क्या करना है, पहले जो आपने स्क्रीन शॉट निकाला था उसे आपको इस पोजिशन पर डालना है, ठीक है। मीडिया पे क्लिक कर दीजिए, कैप्चर में चले जाइए, उसके बाद सेकंड पहले जो स्क्रीनशॉट आपने खींचा था वो यहाँ पे रहेगा और सेकंड पे जो लिया था वो यहाँ पे रहेगा। तो पहले आपको इसे सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद इसे सेलेक्ट कर देना है, ये देखिए। अब इन दोनों को हम कम कर देंगे, इसका ड्यूरेशन 6 सेकेंड्स का रहेगा शुरुआत का, तो उसका कम करके 3-3 सेकेंड्स रख देते, ठीक है। अब वीडियो को एक बार स्टार्टिंग से प्ले करके देखते, वीडियो कुछ इस तरह से रहेगा। ये देखिए वीडियो कुछ इस तरह से रहेगा। तो इस वीडियो को हम थोड़ा और ड्रैग करके कम कर देते, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पे आते हो इस वीडियो के आखिर में चले जाइए, जंप करते हो उसी समय आपको आना है। उसके बाद आपको लेयर पे क्लिक करके मीडिया में चले जाना है और यहाँ पे एक ग्रीन शॉक वेव का वीडियो आपको डालना है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसमें साउंड इफेक्ट भी है, तो उसे सेलेक्ट कर दीजिए। फिर इस तरह से ये आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे इसे जाकर क्रोमा की देना है, क्रोमा की एनेबल कर देना है,
क्रोमा की एडजस्ट कर दीजिएगा इस हिसाब से। उसके बाद बैक आ जाइए, यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ा बहुत ग्रीन रहेगा तो आप कलर फिल्टर में जाके इसे ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए, ठीक है। अब ये वीडियो कुछ इस तरह से रहेगा, ये देखिए। फिर भी हम इसे जो है एडजस्ट करेंगे प्रॉपर। अब देखिए थोड़ा लेट हो गया, जब आप जंप करते हो ना तब आपको इसे डालना है और इसे क्लिक करके आपको ब्लेंडिंग में चले जाना है और इसे ब्लेंडिंग जो है आपको स्क्रीन का दे देना है। इस तरह से रहेगा फिर ये देख लीजिए, आप प्ले करके देखते हैं। एक बार थोड़ा आगे ले लेते हैं, अभी आपको यहाँ पे भी एक डालना है तो इसका क्लिक करके इसे डुप्लीकेट कर दीजिएगा। उसके बाद इसे ड्रैग करके यहाँ पे सेट कर दीजिए, कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। इस पोजीशन पे आपको सेट कर देना है, ये देखिए दोस्तों आपका वीडियो एकदम रेडी हो चुका है। अगर इसमें बैकग्राउंड साउंड आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो वीडियो के स्टाइलिंग पॉइंट पे आ जाइए, उसके बाद यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक कर दीजिए और आपके पास जो भी ऑडियो रहेगा आप उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑडियो को सेलेक्ट कर दीजिए, प्लस पे क्लिक कर दीजिए, आपका ऑडियो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिर आखिर में चले जाइए, जो एक्स्ट्रा ऑडियो रहेगा उसे कट करने के लिए वीडियो को सेलेक्ट करके ऑडियो को सेलेक्ट करके वीडियो के आखिर के पॉइंट तक आपको चले जाना है, फिर आपको कटर में चले जाना है, फिर आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड पे क्लिक कर देना है ताकि आगे वाला ऑडियो डिलीट हो जाए। उसके बाद आप इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके सेव कर देना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको एक्सपोर्ट कर दे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था, ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में जल्द ही।